वक्ता हैं, बेहतरीन वक्ता हैं और सारे हमारे साथी हैं दिल्ली से आए। मुझे लग रहा है पहली स्टेज पे आते मुझे बुलवा दिया गया, मैं क्या बोलूं पता नहीं। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। तो संविधान बचा लिए तो मीम भी बच जाएंगे, भीम भी बच जाएंगे, लोहिया साहब भी बचेंगे, मंडल साहब भी बचेंगे, झलकारी भाई भी बचेंगे, सब बचेंगे। कि संविधान अपने आप में कंप्लीट संपूर्ण दस्तावेज। साथियों, अभी अभी 7 तारीख तक दिल्ली में हिंदू खतरे में था, अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, अब वहां से चला है बुढ़िया बिस्तर बांध के, अब बिहार में हिंदू खतरे में आए। और बिहार के बाद फिर बंगाल में खतरे में आएगा। तो हम वैसे किसी भी तरह के हिंसा और अपशब्द और ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करते हैं जिससे किसी को आघात पहुंचे, चोट लग पहुंचे। लेकिन जो शाहीन बाग में करंट लगवा रहे थे, पता नहीं उनको ही करंट लग गया, उनका सही से कम समुचित इलाज होना चाहिए। और लोग चाहिए करंट किसी को नहीं लगाना चाहिए, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और जमहूरियत का तो यही फंडामेंटल है, यही बुनियाद है कि हम और आप अलग अलग विचार मानते हैं तब भी हम साथ रह सकते हैं, यही जमहूरियत है। कि तेरे गुरूर को जलाएगी, तेरे गुरूर को जलाएगी वो आग हूं मैं, आकर देख मुझे शाहीन बाग हूं। साहब ने कहा कि शाहीन बाग संयोग नहीं है, प्रयोग है। मैं कहता हूं कि शाहीन बाग प्रयोग नहीं है, संविधान है। और साहब, आप जो कर रहे हैं वो संयोग नहीं है, वो प्रयोग है। और प्रयोग किस बात की है? प्रयोग इस बात का कि आपकी संविधान में आस्था नहीं है, आप संविधान मानने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए जितने आपने कानून बनाए हैं, 370, ट्रिपल तलाक चाहे और सब हो, और ये CA NRC, ये सब गैर संवैधानिक है, क्योंकि आप संविधान बदलना चाहते हैं। हमने आपसे वोट नहीं लिया, चंदा भी नहीं लिया, अभी साहब कह रहे थे, फिर भी हम आपके बीच हैं। क्यों है? इसलिए है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यह हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि जब मुल्क और संविधान खतरे में हो तो जो हमने पढ़ा है, जो समझा है, आकर आपसे बात साझा करें और संविधान और मुल्क को बचाने में एक छोटी सी चिड़िया की हिस्सेदारी मेरी जरूर हो। क्योंकि जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो मैं अपना नाम भगोड़ों में नहीं इस मुल्क और संविधान को बचाने वालों में लिखवाना चाहता हूं। इसलिए मैं आपके बीच। तो हिंदू 672 साल पठानों मुगलों का शासन रहा, हिंदू खतरे में नहीं आया, सारे दान दक्षिणा चलते रहे, सब जमीन जायदाद मिलता रहा, नवरत्न में लोग जाते रहे। 200 साल तकरीबन अंग्रेजों का शासन काल था, उस समय भी हिंदू खतरे में नहीं आया, हिंदू तब भी सर्वाइव करता रहा, संपत्तियां बढ़ती रही। लेकिन हिंदू खतरे में कब आया? 1925 में खतरे में आया, जब RSS बना है तब से हिंदू खतरे में है, उसके पहले सब आराम से जो है सब चल रहा है।
भाई राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, सब मुख्यमंत्री हिंदू, जजेज हिंदू, वाइस चांसलर हिंदू, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिंदू, कैबिनेट सेक्रेटरी हिंदू, सारे इंडस्ट्रीज ज्यादातर हिंदू, सब हिंदू, सारे वाइस चांसलर हिंदू, प्रोफेसर हिंदू, दो चार हम लोग जैसे आ गए, सारे राज्यपाल सब हिंदू, तब भी कौन सा हिंदू खतरे में ये नहीं बताएंगे साहब, तो ये नहीं बताएंगे तो हम भी कागज नहीं लिखाएंगे। साथियों वैसे आज मैं मुरादाबादी बिरयानी मैंने खाया है, खाली तो है कि खाली तो है, आ रहे मुरादाबादी बिरयानी खाया है, और एक साहब है वो कहते हैं कि पोहा जो है वो बांग्लादेशी खाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब ने स्टेटमेंट दिया, तो उनकी बात सुनकर मुझे याद आया मुनव्वर साहब का वो शेर, ये देख के परिंदे भी परेशान हो गई, ये देख के परिंदे भी परेशान हो गई कि छते भी हिंदू मुसलमान हो गए, कि भाई अगर पोहा खाने वाले लोग अगर बांग्लादेशी है, तो उस दिन मैं उज्जैन में था, उस दिन मैंने पोहा ही खाया था, बड़ा फेमस है उज्जैन का, तो पोहा खाने वाले बांग्लादेशी हुए तो साहेब चुपके से जो बिरयानी खा रहे हैं वो कौन है जरा ये भी बता दो, चुपके से बिरयानी खा रहे तो जाके वहां फोन पे हेलो हेलो होता है, और इमरान साहब कैसे हो, बिरयानी बनी है, आ गए नवाज शरीफ साहब, और गिफ्ट लेके भी जाते, अच्छी बात है, दोस्ताना संबंध पड़ोसी मुल्कों से होना चाहिए। तो साथियों कहते ना कि राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि सरहद पे तनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या, तो जब जो है अब यहां आप सब लोग बैठे हुए हिंदू मुस्लिम सब तरह के लोग हैं, आपको पाकिस्तान की जरूरत है, आवाज नहीं आई जोर से, तो पाकिस्तान की जरूरत किसको है, पाकिस्तान, क्योंकि कोई एजेंडा नहीं है, न रोजगार है, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, इकोनॉमी डाउन है, सब कुछ खत्म है, लेकिन चुनाव के समय उनको भारत के मुसलमान को न जरूरत है पाकिस्तान की, और न हिंदू को जरूरत है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जरूरत साहेब को है चुनाव के समय। तो साथियों बहुत सारे वक्ता हैं, एक दो बातें और कहूंगा बात खत्म करूंगा, कि मुरादाबादी बिरयानी हमने खाई आज, बड़ा बेहतरीन था, लजीज था, लेकिन याद रखना जिनको जो है कोरमा बिरयानी खिलाए थे 700 बरस खिलाए थे ना, जिनको कोरमा और बिरयानी चाइनीज तस्तरी में और सेवैया खिलाए थे, आइए साहब खाइए, वही लोग सीधे वाले लेकर आए, हम लेकर नहीं आए, मेरी बात समझ में, कि बाबा साहब ने कहा था कि सोशल डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं सर्वाइव कर सकता है, तो साहब लोग को बिरयानी खिला लिए बहुत, अरे जरा अब हमें भी खिला रहा, हमें का मतलब है कौन, जो बहुजन लोग, जो साहेब लोग को तो बहुत खिलाए, और आज भी मैं आ रहा था, खालिद भाई कहां गए, आ गए, देखिए खालिद भाई खुद आए एसयूवी से, इनोवा में चढ़ के आए महिंद्रा, तेज तरार खड़े हुए, और हमको छोड़ दिए ओल्ड मॉडल के जो है ऑल्टो में छोड़े हैं, ओल्ड मॉडल वाले ऑल्टो में है? लेकिन मेरे भाई साहब का जो है जवान आदमी है, इनको ऐसे भी और आके आगे हम लोग आ गए, तो ऐसे एसयूवी में हमें नहीं बैठा ना, बात समझ ना, तो बात यही है साथियों कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित कौन है, शिक्षित वही है जो अपने शत्रुओं को पहचानता है, वही शिक्षित जिसको सेवई और दूध पिलाए
वही जो है ये एनआरसी लाया और भारत की त्रासदी देखी कि जो लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे वो सत्ता चला रहे हैं और जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो धरने पे बैठे, यही त्रासदी। साथियों, सीएनआरसी में ज्यादा कुछ बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं, हमारे साथी मनोज झा भी आए थे पिछले हफ्ते, सुना हमने, देखा भी, और मुझे क्या कहना है, लेकिन एक दो लाइन में मैं अपनी बातें एक आध आज्ञा दूंगा, उसके बाद बात खत्म करूंगा, बहुत लोग हैं। कि सीए क्या है बेसिकली, ये पैकेज डील है, एनपीआर, एनआरसी और सीए पैकेज डील है, बाय वन टू गेट फ्री है, बाय वन टू गेट फ्री, कहीं पे निगाह है और कहीं पे निगाह है। ये सीधा और सीधा, जैसे मोदी साहब ने नोटबंदी किया था ना 2016 में, 8 नवंबर 2016 में वो नोटबंदी था, और सी डबल ए एनआरसी ये वोटबंदी है, वोटबंदी सीधा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले तो लगा कि भाई सरकार और तमाम उनके जो पार्टनर्स हैं, लगा कि ये तो हिंदू मुसलमान हो जाएगा, लेकिन कैच इस बार बाउंड्री पे पकड़ा है, सीधा बाउंड्री पे, हिंदू मुसलमान नहीं, ये जनता बनाम सरकार है लड़ाई, और ये तब तक लड़ाई जारी रहनी चाहिए संवैधानिक तरीके से कि जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं हो। अब वोटबंदी कैसे है कि अगर आप देखिए, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं अगर जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं मैं अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर सकता, तो आम आदमी की बात ही छोड़ दीजिए, मेरे पास खाली वोटर कार्ड है और कॉलेज का आई कार्ड है। मेरे दादाजी मजदूर थे, अब वो कहां जमीन लिए, क्या कागज था, हमें पता ही नहीं। तो जब मेरी नागरिकता डाउटफुल है तो आम लोगों की बात आप छोड़ दीजिए। ये सीधा सीधा निशाना है, मुसलमान तो बहाना है और दलित बहुजन बेसिक निशाना है, ये है बात। जब वोटबंदी हो जाएगी तो वोट बंद, बाबा साहब सबसे बड़ा अधिकार क्या दिए थे जानते हैं, वो आरक्षण नहीं है, दलित पिछड़े भाइयों आदिवासी भाइयों जो है पहले सुन लेना ये बात, वो आरक्षण नहीं था, वो था वोट देने का अधिकार, और ये सोचकर कि राजा और रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा, इसलिए वोट देने। तो जब आप वोट देते हैं तब आप प्रजा नहीं होते हैं, नागरिक होते हैं, और जब नागरिक होते हैं तो आपके कई फंडामेंटल राइट्स होते हैं, कई मौलिक अधिकार होते हैं, इसका मतलब वोट बंद और आपके मौलिक अधिकार खत्म, आपको आप कहीं स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, संपत्ति नहीं जा रख सकते, थाने पुलिस नहीं जा सकते, तो आपके वोट के अधिकार खत्म, तो आप सरकार भी नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो इसकी सबसे बड़ी मार किसपे पड़ने वाली है, वो दलित बैकवर्ड आदिवासी और जो घुमंतु जातियां उसपे पड़ने वाली। साहब ने कहा अपने जितने दलित सांसद और मंत्री थे कि जाइए अपने समाज में कहिए कि इससे दलितों को सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, दलितों को, तो उनके सारे सांसद और मंत्री लगे हुए हैं, तो ये दलितों को उसी तरीके से लाभ होने वाला है जैसे 15 लाख रुपए मिले थे ना, हाँ वैसे ही दलितों को लाभ होने वाला है। वो इतिहास नहीं पढ़ते, मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ता, कि ये जो माइग्रेशन की बात हो रही है, ये माइग्रेशन पहली बार नहीं हो रहा, 1947 में जब सबसे बड़ी त्रासदी हुई थी और हिंदू मुसलमान दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए थे, उस समय भी दलित वहां से माइग्रेट करके आए थे भारत में, और हजारों की संख्या में उन्होंने बाबा साहब को चिट्ठी लिखा था कि पंजाब प्रांत में जहां माइग्रेशन शिविर में आए हैं, रिफ्यूजी कैंप में, वहां हमको हिंदू भी तंग करते हैं, हिंदू में तंग करते हैं, रिफ्यूजी कैंप में नहीं रहने देते हैं, सारे अधिकारी सवर्ण है, वो लेख मैंने लिखा है, प्रिंट में छपा है, वो लेख कोई पढ़ सकते हैं, और चूंकि कैंप में नहीं रह सकते हैं इसलिए ना उनको खाना मिलता है, ना उनको कपड़ा मिलता है, कोई अधिकार नहीं मिलता है, उनको जो कुछ भी है वो छीने जा रहे हैं। 5 पन्ने का चिट्ठी जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया, जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें रुचि लूंगा। तो आप बताओ कि उस समय जो दलित वहां से चल के आए थे वो कहां बसाए, पहले ये बताओ,
तो उसको बसाए रायगढ़पुरा में, करोल बाग में, देवनगर में, झुग्गियों में बसाए, और जो साहेब लोग आए वो लाजपत नगर में और गुजरे वाला में और खान मार्केट में उनको बसाए। तो पहले जो आए थे उनकी समीक्षा करा लो, कैसे दलित को लाभ होगा जरा ये बता दो। तो बचपन में हम लोग खेल खेलते थे, किसी का मिठाई छीनना होता था बच्चे का, तो बोलते थे ऊपर देखो कौआ आया, कौआ आया जैसे ऊपर देखो ऐसे खट से मिठाई छीन ली। तो हमें दिखा रहे हो पाकिस्तान, अब पाकिस्तान से दलित आएंगे उससे लाभ होगा ये दिखा रहे हो, और यहाँ जो है ऊपर दिखा के धीरे से ट्रेन बेचते रहे हो, LIC बेचते रहे हो, हवाई जहाज बेचते रहे हो। जब सारे निजीकरण हो जाएंगे तो रिजर्वेशन, दलित पिछड़े आदिवासी भाइयों, रिजर्वेशन गया खत्म, आपका कुछ नहीं बचा हुआ। इसलिए अपने हक हकूक अधिकारों को पहचानो, अपने शत्रु को पहचानो। एक बात और कि कान में आजकल कहा जा रहा है कि मौलाना साहब खालिद भाई जाएंगे पाकिस्तान में, तो इनकी हवेली जो है तुम्हें ही मिलने वाली है, इनकी जमीन तुम्हें मिलने वाली है, इनका होटल तुमको मिलने वाला है। एक कान में चल रहा है, विस्पर कैंपेन लोकसभा चुनाव में भी चला था, खास तौर से दलित समुदाय में जाके बताया जा रहा है कि भाई मौलवी साहब जाएंगे तो जमीन तुम्ही लोगों में बटना है। मुझे इस पे एक दो बात कि जब मुगलिया सल्तनत खत्म हुआ तो कितने जमीन मिले तुम्हें? कुछ नहीं मिला। जब अंग्रेज गए तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो पहले जो बाबा साहब ने जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया है, हजारों IAS IPS MLA मिनिस्टर रहते हुए सारे आरक्षण खत्म हो गए, पहले अपने संविधान में दिया हुआ हक तो सुरक्षित कर लो, बाद में मौलवी साहब का जमीन लेना, पहले जो संविधान में मिला उसको बचा। तो साथियों ये लंबी लड़ाई है, और ये बात मैं इतिहास का छात्र हूं इसलिए मुझे दिखता है दूर में आगे क्या होने वाला है। ये होगी वोटबंदी और कोई कंसंट्रेशन कैंप भारत में नहीं बनेगा, जब उसका खर्चा है बिल्डिंग बनाने का, खाना खिलाने का। जब वोटबंदी हो गया, सारे अधिकार खत्म हो गए, तो पूरा भारतवर्ष ही जेल हो जाएगा। बोले कि मौलवी साहब अंडा का दुकान करो, कसीदा करो, पंचर बनाओ, मुर्गी पालो, अब बोलना मत कुछ, यही करो, दलित भाइयों मजदूरी करो, तो पूरा भारत ही जेल हो जाएगा आपके सारे अधिकार। ये है असली प्लानिंग। इसलिए इसके खिलाफ लगातार देश में जो है जन आंदोलन चलते रहना चाहिए। हमारे सामने गांधी जी ने 1942 में नारा दिया था, करो या मरो। अब आपके पास, हमारे पास कोई च्वाइस नहीं है, करो या मरो, नहीं तो आने वाली नस्लें गुलाम पैदा हो। यह बात। साथियों यहाँ पे खाली पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं दिख नहीं रही। अच्छा, उनसे एक सवाल पूछना था मुझे, पूछ लेता हूँ यहीं से। अरे अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अरे आए की आवाज नहीं आई, एकदम झूठ बोल रहे हैं। अच्छे दिन इससे ज्यादा क्या होंगे कि मैडम अभी घर में बिरयानी बनाती रहती, यहाँ आके धरना में बैठी हुई है, साहब मना करेंगे तभी धरना में आती, इससे ज्यादा अच्छे दिन क्या होते। हजारों साल से सिखाया जा रहा था, हक हकूक के लिए लड़ो, हक हकूक के लिए लड़ो, गौतम बुद्ध से लेकर कांशीराम जी तक, कर्पूरी ठाकुर तक, सब लोगों ने कहा। तो जो डीपोलिटिसाइज कर दिया गया था पूरी महिलाओं को, वो अब सड़क पे हाथ में संविधान लिए अगर बाहर आ रही है तो ये अच्छे दिन है। मोदी साहब ने एक ही झटके में पूरी ट्रेनिंग पॉलिटिकल साइंस पढ़ा दिया, पूरा पॉलिटिकल साइंस। घर घर में संविधान की चर्चा हो रही है, घर घर में फैसला पहुंच गए, तो इससे ज्यादा अच्छे दिन कल? यही संघर्ष हर समय कहते हैं, अगर तैरना नहीं आए तालाब में आपको फेंक दिया जाए तो हाथ पांव मारोगे तो तैरना सीख जाओगे। तो जो संकट होता है, इसलिए संघर्ष को, लड़ाई को कभी बहुत स्ट्रेस में नहीं लड़ना चाहिए। मैं तो जहां जाता हूं गपशप भी मारता हूं, हंसी मजाक भी करता हूं, क्या खालिद भाई इस बार SIU में हम जाएंगे इधर कि बहुत ही संघर्ष को एंजॉय करने की आदत डालिए, तब संघर्ष लंबा चलने। साथियों
चलते चलते एक बात कहता हूं कि दूसरे उनसे छोटे साहब ने कहा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने दो लॉयर्स भेजे बातचीत करने के लिए। सरकार टस से मस नहीं हो रही है, अहंकार। तो छोटे साहब ने कहा कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे, तो आपने क्या कहा, आप हटेंगे आधा इंच? अरे आवाज नहीं आ रही। तो चलते चलते फलक को जिद है जहां बिजली है गिराने की, फलक को जिद है जहां बिजली है गिराने की, हमें भी जिद है वही बस्तियां बताने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।